कमी है, ठीक है, इसकी भी कमी है। ये स्टूडेंट लोगों से हमें हंगामा सुनाई दिया कि कोई घटना घट गई है, शायद छात्रों के बीच में लड़ाई हो गई है। तो हमने फॉर्म वेरिफिकेशन रोक करके जब घटना स्थल की तरफ पहुंचे, तब तक हमारे स्टाफ को जो है वहां पता चला कि चाकू मारकर कोई छात्र कहिए या फिर उसे उपद्रवी ही कहेंगे, वो निकल चुके थे। उसके बाद हम लोग के जो प्रभारी प्राचार्य हैं रमेश जी, वो दौड़ के ऑटो बुलाने गए, बाकी सारे स्टाफ उनको लेके सदर अस्पताल की तरफ दौड़े और हम लोग भी यहाँ पहुँचे। और उनके उपचार के पहुंचने से पहले ही हमें ये सूचना मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। कि मेरा नाम जया पांडे है और मैं यहाँ अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। घटना हुई है, काफी दुखद घटना है और जब तक हमारे कर्मचारी के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। हमारा कॉलेज बिल्कुल बंद रहेगा, कामकाज ठप रहेगा और विश्वविद्यालय यह निर्णय लेगा कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी और जिला प्रशासन यह निर्णय लेगा कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी। सिंह महाविद्यालय इकाई संघ के अध्यक्ष के नाते, मैं अपने संघ के नाते हमारे कर्मचारी संघ के साथ जो हमारे कर्मचारी के साथ जो हुआ है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं अपना कॉलेज जब तक इसकी निर्णय नहीं हो तब तक मैं बंद करता हूँ। कर्मचारी के साथ घटना घटी, काउंटर पर वो काम कर रहे थे और घुस करके छुरा मार करके उसको ऐसे जगह छुरा मारा कि उसका 10-20 मिनट के अंदर उसका देहांत हो गया, क्योंकि टांग करके हॉस्पिटल हम लोग रहे रास्ते में ही। क्या नाम था कर्मचारी? इसका कर्मचारी विनय राय। ये छुराबाजी क्यों हुई है, ये घटना क्यों घटी? अब ये तो वहाँ काउंटर पर जो लोग थे, चाहे 5 कर्मचारी वहाँ हैं, वो पूरी घटना बताएंगे। अब फिलहाल उस परिसर में गुंडों का साम्राज्य रहता है, पुलिस को प्रॉपर सूचना है कि यहाँ अपराधियों का जमावड़ा रहता है, क्या कहते हैं, जुआड़ियों का जमावड़ा रहता है। बार बार हम लोग SP को भी लिखे हैं, दल को कहिए कि प्रॉपर यहाँ केयर करे, फील्ड के बगल में प्रिंसिपल रेसिडेंस के पास पूरा जमावड़ा रहता है अपराधियों। हाँ, इस घटना के लिए तो हम लोग मांग करते हैं कि उसका मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को नौकरी दी जाए। अब करेंगे क्या, वो तो आदमी समाप्त हो गया। अपनी सुरक्षा दी जाए और परमानेंट पुलिस पोस्ट बहाल की जाए राजेंद्र कॉलेज परिसर में। गर्मी की छुट्टी चल रही थी, ऐसे में गर्मी की छुट्टी चल रही है, टीचर सब छुट्टी पर हैं, 2-1 टीचर हैं जो फॉर्म वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे तैसे प्रिंसिपल उनको खुशामद करके ड्यूटी लगाए हैं। सारे विश्वविद्यालय से किस तरह शिकायत थे आपको? विश्वविद्यालय से है कि इस पीरियड में ही वो सारे काम करा रहे हैं जबकि इस समय नहीं होना चाहिए था। शिक्षक प्रॉपर शिक्षकों की माने व्यवस्था करते उसके बाद कराते, तो सारे काम इन्हीं असुविधाओं में कराना है। क्या नाम है आपका? हरिहर मोहन। क्या हम वहाँ प्रधान सहायक भी हैं, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं।